इन सभी उसमें नाम लिख नाम एक कर जी जी और बाकी सब लोग हैं मैं बता दूँ जी जी मैडम जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुब्धार मेजर ओम प्रकाश ताड़ की भारतीय सेना। दोस्तों अभी मैं फिलहाल कल भी आया था और जी आई स्कूल में आज भी आया हूँ। जी आई स्कूल में जो भी जो बच्चे जो बाहर के लेबर जो बच्चा पार्टी जो बाहर से जो जीवन यापन के लिए बिहार के बच्चे कहीं की भी जीवन यापन के लिए उत्तराखंड के अंदर आते हैं, वे जो कोरोना की वजह से यहाँ पे फंस गए ना, कोरोना की वजह से फंस गए तो उनके लिए खाने का बताओ यहाँ पे क्या था। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आने की वजह से जो है उनका बंदोबस्त किया गया, खाने का बंदोबस्त किया गया है। और काफ़ी जो बच्चे यहाँ पर काफ़ी है, ये आप देख सकते हो बहुत बच्चे हैं, ये सब बेचारे परेशान क्योंकि क्या करेंगे, कहाँ कहीं जाने की प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है सब बहुत। ये देखो तकरीबन यहाँ पर 60 या 70-75 के आसपास है जिनके बंदोबस्त है प्रशासन ने किया हुआ है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और अगर कोई ऐसी हेल्प कर अपना पर्सनली फिजिकल राशन के तौर पर कोई हेल्प करना चाहता तो मेहरबान करके आप लोग कर सकते हो। GGIC स्कूल के अंदर आके आप वहाँ पे ऑनर को वो सामान वगैरह पढ़ा दो, रजिस्टर में मेंशन होगा सर, ठीक है, रजिस्टर में मेंशन होगा और क्या नाम कहते हैं उसका लिखा जाएगा कि उसने क्या क्या दिया है करके, ताकि जो है इन लोगों का जो है खाने का स्टैंडर्ड को और बढ़ा जाए। खाने का स्टैंडर्ड अभी भी लाजवाब है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाना सही तरीके से मिल रहा है और बढ़िया तरीके से मिल रहा है और बंदोबस्त किया जा रहा है, हर चीज़ का बंदोबस्त किया। यहाँ पर काफ़ी वर्कर यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं, शिक्षा प्रशासन लगा हुआ है सर, ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अभी एक मिनट बेटे, एक मिनट के लिए गैप ही रहना, इधर आ बेटा एक मिनट के लिए। बेटे ये बता कितने लोग यहाँ पे आप लोग, तू आप कहाँ से आया बच्चा? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से कब पहुँचे? सुबह पहुँचे थे। सुबह पहुँचे ना आप, तो बेटा कैसे पहुँचे पिथौरागढ़ से? यहाँ पैदल आए हैं वहाँ घाट तक, तो घाट से फिर कंटर। मतलब प्रशासन की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिला, पॉजिटिव मिला, आपने कोशिश करवाई थी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो सर? हम ऐसे आप अभी भी आए हो ना, तो प्रशासन ने आपको अनुमति दे दी, आप पैदल आए चाहे कैसे भी आए। कितने लोग आए आप टोटल? 28 लोग। आप यहाँ लोग यहाँ पहुँचे पैदल, तो रास्ते में कोई प्रशासन वगैरह ने आपको कोई बोला नहीं, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं बोला कि मतलब जाने दो, बोला बस हो गया ना, कोई कुछ नहीं बोला, आप आते रहे बस हो गया। तो आपके रास्ते में खाने का बंदोबस्त कैसे हुआ ये बताओ? कुछ नहीं हुआ। क्यों, कोई इंसान ऐसा मिला, ऐसा गॉडफादर मिला प्रशासन के नाम पर, कोई ऐसा मिला शख्स जिसने आपको खाने के लिए पूछा? कोई नहीं। वहाँ से कितने किलोमीटर का सफर यहाँ करके आए टोटल? 75 किलोमीटर रन करके आए, तो रास्ते में किसी ने पूछा? कुछ नहीं है किसी। दोस्तों जो बोलता सच बोलता, डंकी चोट पर खोल के बोलता, और जो मैदान की सच्चाई है ना कड़वाहट, वो उसको मुंह के सामने जनता के सामने लाने की कोशिश करता हो। देख लो क्या बोला, दोबारा बोलना क्या बोला? कुछ नहीं, कोई ये नहीं, कब चले थे आप लोग? कल चले थे रात में। दोस्तों ये कल चले थे पिथौरागढ़ से और 75 किलोमीटर का सफर करके सुबह कितने बजे पहुंचे आप? 8 बजे। सुबह 8 बजे पिथौरागढ़ से चंपत पहुँचने तक यहाँ इनको किसी ने नहीं पूछा खाने के लिए, और ना किसी रास्ते में कोई पूछा है, ठीक है। दोस्तों ये है ढोल की बोल भाई, यार हमारे भाई है, देश के वासी है, बाहर बाहर से आए, बिहार से आए, कोई पटना से आए। बच्चों कहाँ कहाँ के हो आप लोग तकरीबन? टोटल जिला भरी के बच्चे हैं ये पूरे? टोटल कितने हैं ये? 28 लोग। अभी मतलब जो तुम आए हो अभी पिथौरागढ़ से, वो 28 लोग आए हैं? 28 लोग। तो टोटल 28 लोग यहाँ पे अभी पिथौरागढ़ से पहुँचे यार। दोस्तों बोले रास्ते में, तो खाना क्या खाया तुम लोगों ने? अभी बन रहा है सर, अभी बनेगा। ना ना यहाँ नहीं, यहाँ की तो सर पॉजिटिव में है। जी जी जी। पिथौरागढ़ से यहाँ तक की सिचुएशन है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पिथौरागढ़ से यहाँ तक पहुँचने पर किसी ने नहीं पूछा? किसी ने। तो तुमने क्या किया, क्या था तुम्हारा? नहीं पिथौरागढ़ से जब चले कह रहा हूँ, दिखा दे बेटा खिचड़ी, लिया इधर, लिया इधर, लिया खिचड़ी, लिया इधर, इधर ला, पन्नी में रख लिया। ये बता भी बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं, खोल बेटे पॉलिथीन खोल बेटा। तुम्हारे मास्क कहाँ हैं? मास्क मास्क हैं सभी के पास, सबके पास मास्क है ना, कोई ऐसा जिसके पास मास्क नहीं है? किसके पास नहीं है? कितने लोगों के पास हाथ खाकर मैं लेके आऊँगा बेटा? जिसके पास नहीं है वही बोल रहा, यानी कि जिसके पास है वो बोले। इधर आ जा, क्या हो गया? अच्छा मतलब खिचड़ी में तो खाना मतलब नहीं खाने नहीं लाया है कि मतलब खिचड़ी की दिक्कत बता बेटे, इसमें खिचड़ी में तेरे को क्या दिक्कत आई वो मेरे को बता बेटा, क्योंकि ऐसे पता नहीं साहब, इसमें कोई टेस्टी नहीं है, पता ही नहीं लगता है नमक है या नहीं, और
कोई टेस्ट मतलब खाली बना है। के दे दिया है ये कहाँ पे दिया कहाँ पर दिया ये जीआईसी डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में जीआईसी डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में। अगर वहाँ पिथौरागढ़ में जो मेरा वीडियो जाएगा अभी निकल जाएगा ये जीआईसी पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के अंदर जितने भी ऑनर है ना सर मेहरबानी करके अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सुविधा मिल रही है सेवा मिल रही है सब कुछ पॉजिटिव में ध्यान दे दो कान खोल के सुन लो बता दे रहा हूँ आपको ठीक है। ये जो है पूरा देश तकलीफ में है परेशानी में है बहुत परेशान है और ये जनता काफ़ी परेशान है पैदल होकर पिथौरागढ़ से चंपावत यहाँ पहुँची है ठीक है पिथौरागढ़ से चंपावत ये बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ के बताया बेटा आपने जिला बहराइच मतलब घर कहाँ हुआ जिला बहराइच के ये बच्चे बिहार के हुए यूपी यूपी के बच्चे हैं ये और उन्होंने खाना इस तरीके से वो बोल रहे ना इसमें सर नबा के ना कूचे ना कोई ब्रेड दे यार इंसानियत के नाम पर सर अगर आपको खाने के लिए ऑनर आपको लगाया गया ना मेहरबानी करके खाने में ध्यान दे दो ठीक है। और ये कहता है पिथौरागढ़ से डीएम सर आपसे रिक्वेस्ट करके ये देखो बच्चे की जवानी खुद बताओ क्या बोला बेटा खाने में कुछ कोई वैरायटी कुछ नहीं है जी कोई टेस्ट नहीं है इसमें। और पिथौरागढ़ से चंपावत पहुंचने तक रास्ते में कोई प्रशासन का कोई भी काम नहीं है जीरो भट्टा सन्नाटा कर रखा है समझ गए। देश के नाम पे कुछ काम करने की कोशिश करो हर जगह भीड़ इकट्ठी हो गई पर ये जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैलने वाला बहुत गदर मचने वाला आने वाले समय में ठीक है। कल मैंने वीडियो डाला था कि अगर मतलब आइए इंडियन एयरफोर्स की मदद लो करके लेकिन नहीं भीड़ बढ़ते जा रही है लोगों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है बाथरूम की सुविधा नहीं है वही कपड़े पहने हुए हैं वही सड़े हुए कपड़े पहने। मैं कह रहा हूँ कि ये कोरोना के चक्कर में कहीं दूसरी बीमारी से लोग ना मर जाए और दूसरी बीमारी खड़ी ना हो जाए यहाँ पे 15 लाख के लगभग चला हुआ आनंद विहार परिषद वहाँ किसी को आने नहीं दे रहा लेटेस्ट खबर है वहाँ किसी को आने नहीं दे रहा अभी तो यार वो बताओ जो अपने घर में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि 25 हम लोग सब लोग घर में रहे अरे मेरे बाप घर में वो रहेगा जो घर में है समझ गए नहीं समझ गए 75% आदमी कहाँ जाएंगे जो रोड में जो बेचारे ड्यूटी के लिए ऑनर वहाँ काम कर रहे हैं जिनको बॉसों ने नौकरी से निकाल दिया डिस्पैच कर दिया और उनको वहाँ पे वो क्या करेंगे हैं घर वाला तो वो रहेगा ना जो घर में है जो घर से बाहर है वो कहाँ से रहेगा घर में भाई है। मोदी जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कल भी आपको वीडियो यूट्यूब में मतलब फेसबुक में लाइव आपसे बात करने की कोशिश करी है मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा जनता का सपोर्ट है और वो वीडियो बढ़ रहा है दौड़ रहा है तेजी से और वो आपके गले तक पहुंचेगा तो मेहरबानी करके या तो इंडियन एयरफोर्स की मदद लीजिए चॉपर उड़ाइए हमारे पायलट बहुत जाओ इंडियन आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है ठीक है। एंटीना के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता रखते हैं हमारे पायलट ठीक है। सेना की होने के बावजूद मुझे पता है कि सेना अपना काम वर्ल्ड की नंबर 1 सेना हमारी हमारी सेना को सिर्फ आदेश मिलना चाहिए सीधा काम तमाम करेगी 40 चॉपर हवा में उड़ेंगे 3 दिन में पूरा लोग अपनी जगह पहुँच जाएंगे नहीं तो ऐसे कंट्रोल करने चक्कर में रहोगे तो मैनेजमेंट की शुरुआत कर लो टीवी बताने से कुछ नहीं ग्राउंड में अप्लाई करो ग्राउंड में क्या हो रहा है ठीक है। ग्राउंड में बहुत कम काम हो रहा है सर बहुत कम ये देखो खुद बच्चा बोल रहा है क्या बोल कितने लोग हैं टोटल कितने बच्चे 28 लोग साहब तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या ये 28 बच्चे आए हुए हैं सरकार नहीं हम अपने घर से दे रहे हैं वहाँ के लोग कुछ लोग बोल रहे हैं ना कुछ लोग बेटा कुछ लोग सेवा कर रहे होंगे यार नहीं नहीं बेटा कुछ लोग सेवा कर रहे खिचड़ी वाले बोल रहे थे कि हम मतलब अपने तरफ से हो सकता है सेवा कर रहे हो अच्छा ये सेवा वाले होंगे ना हो सकता है ये तो वो वाले हैं और रवि लुंठी एक नाम है ठेकेदार है वो पूरी सब्जी शाम को खिलाया अपने तरफ से अपनी तरफ से मतलब इंडिविजुअल भी लोग सामने आ रहे हैं ना जी ठीक है। मेहरबानी करिए प्रशासन से मेरी सर गुहार है कि रास्ते में पैदल चल के बच्चे यहाँ से आ रहे हैं ठेले में गोद में बच्चे को लेके लोग बिहार पहुंच गए। परसों एक बंदे ने फ़ोन किया बिहार के बच्चे यहाँ से पैदल चले हैं परसों फ़ोन आया कि हम बिहार पहुंच गए। कमाल है यहाँ से बिहार जाने का मतलब यहाँ से अमेरिका जाना हुआ अगर जहाज़ में जाता है और पैदल चलना अमेरिका बराबर ही हो गया। तो मेहरबानी करके इनके लिए कोई बंदोबस्त करिए तो बेस बनाइए मेडिकल सुविधा दीजिए इनके लिए रहने की सुविधा अच्छी अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करो ताकि कम से कम रहे। और दूसरा नंबर 2 बात इनके परिवार में कि ये लोग आप लोग कमाने वाले यहीं तो खुद तो हो जी। मतलब आपके आप पर डिपेंड पूरा परिवार है जी। समझ गए समझ गए। तो मेहरबानी करके आपने जो जो टीवी में भाषण बंदी चल रही है ना मेहरबानी करके आप ग्राउंड में सबूत दीजिए कि इनकी आपने चेकलिस्ट बनाई है और इनके घरवार घर परिवार के अंदर भी राशन वगैरह है और इनकी वजह से इनके परिवार का वो चल रहा है क्योंकि ये लोग आप लोग टेंशन में हो या नहीं हो कि मतलब बच्चे कैसे करके कुछ है आपके में है? बात हो रही है बच्चों का टेंशन है? बात नहीं हो रही है नहीं हो रही हाँ क्या बोल रहे फिर वो क्या बोल रहे हैं वो बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे जैसे यार बच्चे रो रहे हैं परेशान हो रहे हैं सर मोदी जी मेहरबानी करके मेरा वीडियो आपके पास पहुँचना चाहिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इनका करो उद्धार करो और इन लोगों की तकलीफ को दूर करो और लोग पैदल पैदल पिथौरागढ़ से 75 किलोमीटर सफर करके बच्चे अभी आए हैं और अभी मैं बताता हूँ कि ये चंपावत के अंदर खाने का अंदर जीजीआई स्कूल के अंदर ठीक है खाने का बहुत ही शानदार जानदार प्रसाद क्या क्या मैं बात वही बोलता हूँ तो सच है समझ गए सच है डरना मना है भाई डरते चोर हरामखोर गद्दार लोग हैं जो सच्चे होंगे ना राजगुरु भगत सिंह सुखदेव 22 साल की उम्र में चले गए थे बच्चे ठीक है जो किले और बेटा ये चीज़ है यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है और व्यापार संघ की तरफ से भी काफ़ी सहायता दी जा रही है और यहाँ पे खाना प्रॉपर सबको दिया जा रहा है
और मेहरबानी करके जनता से अपील है, अगर कोई अपनी तरफ से छोटी मोटी सेवा दे सकता है, एक रुपये से कुछ भी, कोई बात नहीं, 10 किलो राशन का कट्टा दे दो, रिफाइंड का टीन दे दो, या जरा सी सब्जी ला के दे दो, नहीं तो फ्रूट बेचारे वाले फ्रूट नहीं बिक रहा है, दुकानदार से मैंने बात करी, तुम्हारी दुकान भी बंद होने वाली है, तुम्हारे सेब जो है सूखे, केले सूखे, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो कुछ यार उनका फ्रूट खरीद लो, उनका भी उद्धार हो जाएगा, और फ्रूट केले सेब वगैरह खरीदो और यहाँ GGI स्कूल के अंदर एंटर कर दो यार, मेहरबानी करके कुछ अपने नाम से कुछ कर दो ताकि ये बच्चों का भी उद्धार हो जाए, और यहाँ पे शिक्षा प्रसारण पूरा लगा हुआ है। मैम एक मिनट सर, आप एक मिनट इधर आ, यहाँ सर आ जाओ, एक मिनट आ जाओ इधर आ। तो अब ये बता देखो, उन्होंने अपनी कहानी पिथौरागढ़ से यहाँ तक की पूरी बता दी है, 27 बच्चे हैं। मैं इसके अलावा और कौन कौन है जो पहले जो कल मैंने बताया था, तो कल के इनको मिला के कितने हो गए, वो जो कल भी आए थे ना, कल तो आए थे सर, वो चले गए या वो भी आई है? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो अभी तकरीबन राउंड फिगर में मोटा मोटा 100 आज की डेट में 100 हो गए ना, आज के उसमें जो है 100 लोग हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, और भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी आ सकता है। तो जनता से देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जनता से मेरी गुहार है, मेहरबानी करके ना अभी कर्फ्यू टाइम में, 1 बजे से कर्फ्यू का टाइम है, मेहरबानी करके यार घर से बाहर निकलो और 2 किलो आटा 1 किलो चावल जितनी आपकी सहूलियत है उतना दे सकते हो यार, यहाँ पे इनको वैरायटी खाना, मैंने पूछ लिया, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ गए हैं, फेसबुक में आ गए, सर वहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन खाना जो है नंबर 1 है, टॉप का है, नंबर 1 खाना बना करके 5-6 लोग के कमेंट क्लियर आए हैं कि सर मैं खुद वहाँ खा रहे हैं और खाना नंबर 1 है, टॉप का खाना वहाँ पे बन रहा है और साफ़ सुथरा और हाइजीन को लेके वो खाना बनाया जा रहा है करके, तो इससे दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि लोग खुद बता देते हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, तो मेहरबानी करके आप लोग जरा सा सपोर्ट करोगे तो जरा यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा, और इनको जो है खाना जब तक ये चलता रहेगा तो यार ये और टीम ज़रा बड़ी होगी और यह बड़े स्तर पर यहाँ पे खाना जो भी है इनका वो हो पाएगा। तो मैम ये बताइए आपकी मतलब खाने का आपने 2 टाइम बताया था ना, कब का बताया था? दो टाइम बताया, तो सुबह सुबह 11 बजे 11 से 11:30 तक देते हैं, और शाम को 7 बजे शाम को 7 बजे दे देते हो ना, 7 से 7:30 के बीच में दे देते हो। अच्छा, अभी ये खाना आप खाएंगे यहाँ पे? ये बच्चे पहुँचे हैं तो ये खाना भी जो 11:30 जो टाइम है उस समय खाएंगे, तो बेटा जो चीज़ सही होती है ना वही बताना, समझ गए? अगर आपको यहाँ पे खाना सही मिलेगा, सब मिलेगा, अच्छा ही तो बताओगे, वो जो चीज़ दिखती है जो क्लियर है वो बताओ, छुपना नहीं है। दुकानदार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगवाया है, फूड इंस्पेक्टर बात करी है, पूरी दुकानों में रेड लिस्ट लगवा दी है, सिर्फ दुकान कस्टमर ने ये बोलना है कि मेरे को सर इस दुकानदार ने, इस जनरल स्टोर वाले ने मेरे को 2 रुपये का आटा 3 का दिया, उसकी दुकान सील होगी, मैंने क्लियर बोला हुआ था, उसकी दुकान सील की जाएगी। और दूसरा एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो सर आ जाओ, इस पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इस माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अगर देखो अभी ये लड़ाई लंबे चला, हमारे वहाँ उत्तराखंड के अंदर लोग बहुत शर्माते, मेहरबानी करके मैं आपको ये सूत्र बता देता हूँ, आपको अगर हेल्प वाली चाहिए सोशल मीडिया में 1 मिनट का वीडियो वायरल करो कि सर मैं कनल गाँव में रहता हूँ, मेरे पिताजी या मेरा बेटा, मैं बुढ़ा बुढ़ी हैं, मेरे पिताजी बाहर, मेरा बेटा बाहर ड्यूटी करता है, वो वहाँ फंस गया, वही पैसे नहीं भेज पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सोशल मीडिया में एक वीडियो डालो और अपनी लोकेशन ट्रेस करो, आपके पास आटा चावल पहुंचाने वाले पहुंच जाएंगे। भाई ऐसे कैसे पता चलेगा, मुझे ही पता नहीं चल रहा है, यहाँ मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं चला, शर्माओ मत, क्योंकि हरामखोरी, मक्कारी, गद्दारी और रिश्वतखोरी, इस चीज़ में शर्माना है, जो मानवता के काम में नहीं शर्माना, हर कोई कभी ऐसी होता कि पैसे नहीं हो पाते, और ये घड़ी दुख की घड़ी है, और हम लोगों ने सपोर्ट करना है, सोशल मीडिया जो भी तकलीफ में है उत्तराखंड के अंदर, मेहरबानी करें सोशल मीडिया में एक वीडियो डालो, एक आधे मिनट का, कि कनल गाँव में रहता हूँ, फलां जगह पर रहता हूँ, और सर मेरे घर में खाने के बाधे पड़ गए हैं और मुझे राशन की सख्त जरूरत है, या मुझे फाइनेंस साइड की, जैसी आपका वीडियो वायरल होगा मैं वादा करता हूँ आपके घर में ऐसे मसीहा पहुँच जाएंगे जो आपको आटा चावल या पैसे की सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे कोई नहीं जान पाएगा आपके बारे में, हो सकता है कोई सुसाइड केस भी मिले फिर। GGIC की भुवनेश्वरी मैम और नीति सक्सेना मैम का बहुत विशेष सहयोग है इसमें, रात के 10-11 बजे तक भी आप लेडीज होकर बताइए, एक मिनट बताइए क्या कौन मतलब, है GGIC की निधि सक्सेना मैम और भुवनेश्वरी नेगी मैम का विशेष सहयोग है, जो रात 11 बजे तक निधि सक्सेना मैम है, और दूसरे का नाम क्या बताया, भुवनेश्वरी नेगी, भुवनेश्वरी मैम, ये है सामने, ये तो यहीं पर ही है, ये मैम है और निधि सक्सेना, ये दो मैम है, इनका जो बहुत सहयोग है इसमें, और वैसे जो मतलब अपना पूरा मतलब तन मन धन से अपना लगी हुई है। मैम इस बारे में कुछ बोलिए तो जरा, आपके मतलब इसमें क्या हो सकता है, मतलब इन लोगों का किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, जैसा हमें शासन से जैसे भी हमें संख्या मिल रही है, जैसे हमें प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जैसा हमें निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुसार हमारी जो भोजन माताएं हैं, जो जगह जगह से विद्यालयों से आई हैं, हमारी मैडम हैं, हमारी भोजन जो प्रभारी मध्याह्न भोजन आशा पांडे मैडम, हमारे सर लोग हैं, सभी के सहयोग से जितना हमसे संभव हो जा रहा है, हम जो है जो आए हुए लोग हैं, जो बेचारे जो यहाँ घर जाना चाह रहे हैं, जो बीच में रुके हुए हैं, उनकी हर संभव हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना हमसे हो सकेगा हम रात बिरात 24 घंटे हम इस सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। देखो मैम ने क्या कहा, आप भी कुछ बोलेंगे मैम, अपने सब दो शब्द बोलो।
बस सर, हम जो आप कर रहे हो ग्राउंड में जो कर रहे हो उसके, हम सुबह से हैं सर, 9 बजे हम आ जाते हैं बिल्कुल, और रात के 10 बजे 11 बजे जब हमें निर्देश आता है तो हम आके इन लोगों के लिए जो भी हमसे संभव हो सकता है सर, हम बिल्कुल तत्पर हैं सर, मदद कर रहे हैं इनके लिए, और कोशिश रहेगी कि कोई यहाँ से भूखा ना जाए ना। मैम इसी कोशिश में पूरी लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं, और ये जैसे भूखा तो कोई नहीं जाएगा, हमारा वादा है कि भूखा तो हम जाने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरा, इनके रहने का क्या होगा? मैम रहने का अभी कुछ हाँ, अभी तो अब कोई बताया, देखो प्रशासन नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से कोई आवाज, अभी कोई मैसेज आया, इनकी रिपोर्ट लग गई कि ये लोग बच्चे आ गए यहाँ पे? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसका बंदोबस्त किया जाएगा ना? जी सर जी। अच्छा अच्छा, देख लो ये चंपावत जीजे स्कूल के अंदर जो पूरा स्टाफ है बहुत ही बढ़िया और सादा। मैं फिजिकली वहाँ पे कल भी आया था, आज भी आया था, और तहे दिल से और शिद्दत से जैसे एक परिवार की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा की जाती है, उसी तरीके से इन लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहा है। और ये खुद बच्चे खुद बताते हैं कि मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है, और ये खुद अपनी जुबानी खुद बताते हैं कि हमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। अभी ये आज आए हैं और ये खुद खाना खाएंगे, कल मैं इनसे खुद फिजिकली बात करूँगा। बेटा कल बात करूँगा तुमसे, ठीक है? एक बार तो आप बताइए, जो चीज़ सही होती है सही बताना है बेटे ना, क्योंकि खाना यहाँ अच्छा बन रहा है तो अच्छा ही बताना है। ये नहीं कि मतलब कि सर आज जो है वो ग्राउंड में अप्लाई करना है, ताकि प्रशासन को पता चले कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं लोग। तो चंपावत में काम हो रहा, DM सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, वो आपके मैनेजमेंट के इंचार्ज है DM साहब चले हम लोग, आप लोग DM मैनेजर के मैनेजमेंट के इंचार्ज है DM साहब, इसमें मतलब जो ऑर्गेनाइजर के मतलब केंद्र बिंदु प्रशासन कहते हैं, लेकिन यहाँ भी नज़र उनकी है। तो DM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रसार में पूरी मदद कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सर, मेहरबानी है। और बाकी जो पिथौरागढ़ से लेके यहाँ तक जो लोग बच्चे पैदल आए, मेहरबानी करके इनका भी ध्यान रखें। किसी ने पूछा नहीं, क्लियर बोल लिया, मैंने आपको बता दिया है, रास्ते में किसी ने पूछा, और यहाँ के बच्चे यहाँ एक चीज़ है स्कूल ग्राउंड में खड़े हैं, तो इनका परिवार की तरह हेल्प की जाएगी और बच्चों की तरह इनको खाना खिलाया जाएगा, और इनके बाद इनको रख दिया। बेटा यहाँ पे जो भी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे समाज चल रहा है उसी हिसाब से अपने को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? बस खाने रहने का हो जाएगा, यहाँ तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स रहोगे यार, बाकी और हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो वही है कि ये प्रशासन वही कर सकता है जो जितना हो सकता है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो बनता था इसलिए बनाया, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा इंडियन आर्मी रख रही है, वर्ल्ड की नंबर वन सेना है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन अंदर ही मसले, देश टूट रहा है, देश में जो है जिस तरह से मतलब वो आ रहा है, तो उस तरह से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।